नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओम ट्रिक्स में। अगर आप क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास टेंथ, क्लास ट्वेल्थ, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जम करके तैयारी हमेशा चलती रहती है दोस्तों। और अगर आप इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहते हो दोस्तों अपने यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए, तो विद्यापीठ प्लेटफॉर्म का लिंक आपको दिया गया है, जा करके वहां के वीडियो एनरोल करके आप फ्री में वीडियो देख सकते हो दोस्तों। तो इससे पहले बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओम ट्रिक्स में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के लिए क्लास ट्वेल्थ के लिए फिजिक्स लेकर के आ गया हूँ, क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। किसके लिए? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये वीडियो है दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। सभी अच्छे से पूरा वीडियो देखते रहेगा दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास टेंथ, क्लास ट्वेल्थ, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की जम करके तैयारी होती है यूपी बोर्ड 2019 के लिए। चैप्टर चल रहा था हमारा इंग्लिश मीडियम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, इसका फर्स्ट वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इंग्लिश मीडियम की फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर के आप अच्छे से पूरा वीडियो देख सकते हो दोस्तों। अब हम बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन दोस्तों। तो नीचे चलते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे आते हैं दो नंबर के। ठीक है, दो नंबर के आते हैं, अच्छे से देखते रहना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक्सप्लेन विद नेसेसरी फॉर्मूला। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसे एक फॉर्मूला देकर समझाइए, इसे एक फॉर्मूला द्वारा निरूपित कीजिए। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन आपको यहां से लिखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दैट नॉर्मली पास थ्रॉट दैट सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डू फाई नॉट थॉट अ स्मॉल एरिया इलेक्ट्रिक एलिमेंट डी एस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एन स्ट्रेंज थीटा विद डी एस इज डी थीटा बराबर डी थीटा डी फाई नॉट बराबर डी जीरो नॉट बराबर ई इंटू डी एस बराबर बराबर लगा करके फिर ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा हम यहाँ पे मान लेंगे, और साथ ही साथ ये थीटा कहाँ से आया है हमारा, ये थीटा यहाँ से आया है। इसका सबसे पहले हम एक सरफेस का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, ये देखो स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ से बना करके दिखाना होगा। ठीक है, और नीचे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नॉट ओवर टू दी होल सरफेस एस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गिवेन एज जीरो नॉट इज इक्वल टू ओ नॉट ई डॉट डी एस बराबर ओ नॉट एस ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करके लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसके बारे में, इसके डिफाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी बट इट इज प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स is n माइनस एम स्क्वायर माइनस सी वन सी माइनस वन, ये हो गई हमारी इसकी SI यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। यहां तक कि आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ होगा, अ हॉली सिलेंडर हैज ए चार्ज क्यू कोलम्स विद इन इफ इफ थी जीरो नॉट इज इक्वल टू वैल्यू मीटर इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस देन व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद वन ऑफ इट्स प्लेन सरफेस। यहां तक कि आपको ये क्वेश्चन है हमारा, सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले प्लेन सरफेस पे आपको इस तरह बना लेना है और थोड़ी बातें लिख देनी है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सिलेंडर इज जीरो नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई जीरो। सिलेंडर ऐसा है आपको बना लेना है, सिलेंडर ऐसे बनाना है आपको, सेम इसी तरह सिलेंडर बनाना है, और ये सारी वैल्यू पुट करके आपके सामने लिखी हुई है, सेम यही वैल्यू आप पुट करके ऐसे, सेम यही सिलेंडर बनाने के बाद में सेम वैल्यू पुट करके आप ऐसे लिख दोगे, ऐसे जैसे यहाँ पे लिखी हुई है। ये कॉपी में कई बार लिख के देखना, तैयार हो जाएंगे आपको। और ये जब हमारा जीरो नॉट पी बराबर वन अपॉन टू क्यू अपॉन ई जीरो माइनस जीरो नॉट, आपका ये जब आंसर आ जाएगा तब आप यहाँ पे लिख दोगे पी आर ओ वी ई डी,
प्रूव्ड हो गया ये, आप इतना लिख दोगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नीचे है, अब हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पार्ट सेकंड। सेकंड पार्ट यहाँ पे शुरू हो जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दोस्तों अच्छे से पूरा वीडियो देखते रहे, यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पार्ट सेकंड है हमारा। ये आते हैं हमारे तीन नंबर के, कितने नंबर के आते हैं? तीन नंबर के आते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन डाल करके लिखना होगा यहां से, जहां से मैं बता रहा हूं। सपोज अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर प्लेन शीट ऑफ फाइनाइट थिकनेस इज प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम। सिंस प्लेट इज ए प्लेन कंडक्टर, देयरफोर चार्ज ऑन ए प्लेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन इट्स आउटसाइड सरफेसेस आ ए एंड बी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, कंडक्टर यहाँ पे जीरो वाला लगाया गया, देखो इधर। ठीक है, इधर वाला। ठीक है, कंडक्टर यहाँ पे है E-E2 वाला। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी E1 एट पी ड्यू टू शीट ए हो गई हमारी, शीट वन हो गई, E1 बराबर 0 ≠ E0। यहाँ पे दोनों वैल्यू आप पुट करके अच्छे से लिख दोगे यहाँ पे पूरा इसका, जैसे यहाँ पे पुट करी गई हैं। ठीक है, ये पूरी दोनों। ठीक है, उसके बाद आप एक लाइन लिखोगे, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द पॉजिटिव प्लेट विल बी अवे फ्रॉम द कंडक्टर इफ द कंडक्टर वर नेगेटिवली चार्ज, ई वुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द कंडक्टर। यहां तक के आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा शुरू हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ये देखिए है, यूजिंग द गॉस थ्योरम डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग सेल एट अ पॉइंट इन साइड द सेल। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन हो गया, और अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको ऐसे सेम ऐसे लिख देना है, सॉल्यूशन एडिंग डाल करके। सपोज पॉजिटिव चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वैल्यू ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, एट ए इंटरनल पॉइंट फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर R is suppose that from the center let us choose as our Gaussian surface a sphere of radius R concentric with the charge distribution from symmetry the magnitude E of electric field has the same value of every point on the Gaussian surface and the direction of E is radial at every point on the surface। फिर लाइन लिखनी है थोड़ी लाइन छोड़ करके। ठीक है, लेट पी इज अ पॉइंट एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पी बराबर क्यू अपॉन फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब। ठीक है, डियर फोर गॉसियन सरफेस थॉट पी इन क्लोज्ड अ चार्ज Q is equal to 4/3 पाई आर क्यू, पी बराबर क्यू, आर बराबर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर और थ्री यहाँ पे लगा देंगे हम, क्यूब लगा देंगे, और ये बट हमारा ये निकल आएगा दोस्तों, E बराबर E इंटू डी ए ई डी ए कॉस थी, कॉस की वैल्यू यहाँ पे जीरो आएगी। ठीक है, बट यहाँ पे फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हमारा ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इसका सॉल्व हो रहा है, E is equal to EDA cos theta, क्यों यहाँ पे EDA निकल आ गया, मान लेंगे हम ये 4πr² जब मानेंगे तो पुट यहाँ पे वैल्यू में रिएक्शन लिख देंगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन अबव रिएक्शन, Q की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देंगे जो यहाँ पे निकल के आई थी, Q की वैल्यू कहाँ निकली थी, Q की वैल्यू ये देखो इधर निकल के आई थी Q/E0। ठीक है, ये वैल्यू जब निकल के आई थी तो ये वैल्यू हमको कहाँ रखनी है, ये वैल्यू हमको इसके अंदर रखनी है। ठीक है, इसके अंदर जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये E बराबर 1/4πE0 आंसर आ जाएगा, डॉट लगा के Q r/r³। ठीक है, और E इज इक्वल टू R लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, यहां तक कि आपको इसका आंसर
लिखना है दोस्तों। बस इस वीडियो में इतना ही, ये यहाँ पे इतना करने के बाद में आप इतना कर लोगे, उसके बाद आप लिखोगे PROVED, प्रूव्ड हो चुका है आपका ये इतना आंसर, और इसको अच्छे से बॉक्स बना करके पैक कर दोगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो के लिए इतना ही, जितना मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इस चैप्टर में बताया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम में, इस वीडियो का PDF आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में PDF दिया गया है, जाकर के डाउनलोड कर लो दोस्तों। तो बस वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा अपने WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram के जरिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके, वो भी हमारे चैनल से 10वीं 12वीं की तैयारी कर सके, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों। अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना, जो ये वीडियो देख रहे हो जरूर शेयर कर देना। इंग्लिश मीडियम की तैयारी बहुत कम कराई जाती है, मैं शुरू कर रहा हूं, तो सबको शेयर कर देना, सब आ जाए चैनल से तैयारी कर ले। तो टेक केयर, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब नाउ ओम ट्रिक्स चैनल।